हेलो दोस्तों स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में और आज जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2021 हालांकि एक मैं इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताना चाहूँगा कि ये अब बिल नहीं रह गया है अब ये एक्ट बन चुका है तो अब हम इसके सारे प्रोविजन और क्या क्या स्ट्रक्चर है हम उसके बारे में बात करेंगे लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आता है तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से अगर आपको ज़रूरत है जिस एक और टॉपिक की जिस वो आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में मैंशन करें सो दैट की हम उस पर सारे इंफॉर्मेटिव जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से वो हम उस पर सारी वीडियो बना सकें और तो इसके साथ शुरू करते हैं हम लोग सो so, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लॉ को जो है आ, बेसिकली अब ये एक्ट बन चुका है बेसिकली आ, पहले ये बिल था जब ये पेश किया गया था लोकसभा में राज्यसभा में से दोनों जगह पास हो गया तो उसके बाद प्रेसिडेंट का एसेंट मतलब कि सिग्नेचर जो होता है उसको मिलने के बाद अब ये बिल जो है एक्ट बन चुका है बिल मतलब कानून बन चुका है अब ये ठीक है तो अब इसके बारे में हम जानेंगे क्या क्या इसका प्रोविज़न है क्या क्या स्ट्रक्चर है तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि इस बिल को लाया क्यों गया इसका ऑब्जेक्टिव क्या है तो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो कि जिसका नाम है इंडिया जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स उसके अकॉर्डिंग ये पाया गया कि जो टेन से थर्टीन परसेंट की जो मैटरनल डेथ होते हैं मैटरनल डेथ माने कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसकी जो डेथ होती है वाइल्ड डिलीवरी वाइल्ड हैविंग चाइल्ड तो वो अनसेफ अबॉर्शन की वजह से होती है जो कि आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इंडिया में वो तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा मैटरनल डेथ का कॉज है तो अब ये अनसेफ अबॉर्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे जब भी कोई अनऑथोराइज पर्सन जो कि डॉक्टर ना हो या जिसको जो ऑथोराइज ना हो जो वेरीफाइड ना हो जो रजिस्टर्ड डॉक्टर ना हो वो यदि किसी अनसेफ तरीके से या जिसको नॉलेज ना हो उस तरीके से अगर कुछ ऑपरेशन के ऑपरेशन करता है एंड तो उनको अनसेफ ऑपॉर्शन बोलता है जिसकी वजह से जो प्रेगनेंट वुमेन है उसकी डेथ भी हो जाती है कई बार तो इसके लेकर के कुछ इसमें लॉ में आ, कुछ इंपॉर्टेंट बातें की गई हम उनके बारे में जानेंगे क्या क्या, क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो अमेंडमेंट बिल है बेसिकली ये एक पुराने लॉ को चेंज करके अमेंडमेंट करके उस लॉ को इस नए लॉ को लाया गया तो किस सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि किस लॉ को ये रिप्लेस करता है तो इट रिप्लेस की एम टी पी एक्ट द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट नाइनटीन सेवेंटी वन एम एक्ट नाइनटीन अब उसके बाद इस बिल पुराने जो बिल थी हम उसके बारे में पहले डिटेल जानेंगे देन उसके बाद हम नए वाले की बात करेंगे कि पुराने बिल में जो टर्मिनेशन प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का जो नॉर्मल पीरियड था वो है बारह वीक यानी कि कोई भी वमेन जो है वो बारह हफ्ते से पहले जो है अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकती है ऑपरेशन करवा सकती है और उसके लिए उन्हें एक डॉक्टर की ओपिनियन की ज़रूरत पड़ेगी एक डॉक्टर को एक डॉक्टर को लिखित में देना पड़ेगा कि दिस वेमेन हैज़ शुड बी इसकी उनकी प्रेगनेंसी जो है वो अबॉर्ट होने जानी चाहिए और वो मेडिकली सेफ है और मान लीजिए कि कोई कैसा केस होता है जहाँ पर जो प्रेगनेंसी है वो ट्वेल्व वीक क्रॉस कर जाती है तो उस केस में क्या होगा वहां पे ओपिनियन ऑफ टू डॉक्टर्स इज रिक्वायर्ड दो डॉक्टर का ओपिनियन uh, रिक्वायर है कि ये मेडिकली अनसेफ है हालांकि इसके साथ कंडीशन एक अटैच है दो कंडीशन आप कह सकते हैं कि पहला कि अगर उनकी प्रेगनेंसी कॉन्टीन्यू होती है तो जो वेमेन है जो मदर है उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर इसका फ़र्क पड़ेगा ये अगर शो uh, होता है तो उनको अलाउ किया जा सकता है या तो अगर ये प्रूव किया जाए कि जो बच्चा पैदा होगा जो चाइल्ड का जन्म होगा वो या तो फिज़िकल या तो मेंटल एबनॉर्मेलिटी से सफ़र कर रहा है इसलिए उस केस में प्रेगनेंसी जो है वो बारह वीक के बाद अलाउ की जा सकती है और इसमें एक चीज़ ये भी थी जो कि एक रिजेसिव माना गया है कि माइनर जो प्रेगने जो माइनर वमेन होती हैं या जो अनमेरिड वेमेन हैं उन्हें यदि वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उन्हें अपने पेरेंट्स का एक रिटर्न कंसेंट चाहिए या गार्जियन से रिटर्न कंसेंट चाहिए अबॉर्शन करवाने के लिए ये एक मैंडेटरी क्वालिफिकेशन थी हालांकि इन सब बातों पे चर्चा हुई एंड उसके बाद नए लॉ को पेश किया गया जिसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे अब नए लॉ क्या बदलता है जो नाइनटीन जो एम एक्ट अमेंडमेंट बिल टू में अभी फंक्शनल जो हो चुका है उसके अकॉर्डिंग जो बारह वीक की जो लिमिट थी अबॉर्शन करवाने के पहले वो बढ़ा के कर दी गई है ट्वेंटी वीक्स ठीक है और वहाँ पे भी वन डॉक्टर के ओपिनियन की रिक्वायर्ड थी और यहाँ पे भी वन मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियन की रिक्वायरमेंट है उसके बाद जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट मान लीजिए कि ऐसी एक सिचुएशन होती है जहाँ पर 20 वीक क्रॉस हो जाता है तो वहाँ पर जो दो डॉक्टर हैं किसी भी दो डॉक्टर के रजिस्टर्ड जो मेडिकल प्रैक्टिस रजिस्टर्ड होने चाहिए उनकी ओपिनियन की रिटर्न में ज़रूरत है उनको रिटर्न में देना होगा कि ये मेडिकली सेफ़ है और कर सकते हैं इस बिल इस जो प्रोविजन है ये जो आ, एक्स्ट्रा एक्सटेंशन है जो 20 से 24 वीक का जो एक्सटेंशन रिलैक्सेशन है वो बेसिकली स्पेशल कैटेगरी ऑफ वुमेन के लिए दिया गया है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पास से पूछा सकता है कि कौन कौन से कैटेगरी के लिए ये जो एक्सटेंशन है 20 से 24 वीक का वो प्रोवाइड किया है तो सबसे पहले या तो कोई रेप या इंसेस्ट विक्टिम हो या तो कोई डिफरेंटली वो, एबल्ड वोमन तो कोई विकलांग दिव्यांग वुमेन है या तो माइनर के लिए अब आप देख रहे हैं कि बाइनर के लिए पहले परमिशन के रिक्वायरमेंट रिकौर्में, थे लेकिन अब उसको परमिशन को हटा दिया गया है और यदि कोई ऐसा सिचुएशन होता है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसिस होता है जहाँ पर ये बातें जो है चौबीस वीक के बाद यदि वुमेन को अपनी प्रेग्नेसी टर्मिनेट करनी है किसी स्पेशल ग्राउंड पे कि बच्चा जो है कुछ प्रॉब्लम सफ़र कर रहा है तो वहाँ पे स्टेट लेवल बोर्ड मेडिकल बोर्ड सेटअप होगा एक स्टेट लेवल के पे मेडिकल बोर्ड एक सेटअप किया जाए पैनल सेटअप किया जाए जिसमें गायनाकोलॉजिस्ट जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं जो सोनोग्राफ सोनोग्राफर्स होते हैं और भी कोई पर्सन जो कि गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट समझती है उनका इन चारों लोगों का चार पांच लोगों का एक पैनल बैठेगा जो कि डिसाइड करेगा कि सारे कंडीशंस को डिसाइड ऑब्जर्व करने के बाद कि 24 वीक के बाद इस वुमेन की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाना चाहिए या नहीं ठीक है तो ये बात इसमें कही गई है अब जो नया बिल है उसमें कुछ और बात जैसा कि मैं आपको बताया कि जो बोर्ड और मेडिकल बोर्ड सेटअप होगा उसमें गायनाकोलॉजिस्ट पेडिट्रीटिशियन रेडियोलॉजिस्ट और सोनोग्राफर या कोई अदर पर्सन जो है जिसको गवर्नमेंट फिट समझ सकती है उसको अपॉइंट करना होगा इस बोर्ड में ताकि वो अपने रिकमेंडेशन देंगे कि इसमें उन्हें अलाउ करना है या नहीं करना है देन इसमें यह भी प्रोवाइड किया गया डिटेल्स ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन शेड नॉट बी रिलीज एक्सेप्ट पर्सन ऑथराइज मतलब कि कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन अगर अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराती इन हालातों में तो उसकी जो आइडेंटिटी उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट कोई पर्सन जो ऑथोराइज यानी कि सपोज उनके पेरेंट्स या उनके गार्जियन उनके अलावा और किसी को ये इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाएगी और जहाँ पर सपोज़ uh, एक केस ऐसा भी है कि जहाँ पर रेप का केस है जहाँ प्रेगनेंसी जो एक्सीड कर गई है चौबीस वीक से वहाँ पर कोर्ट की परमिशन जो है वो रिक्वायर्ड होगी वहाँ पे कोर्ट की परमिशन चाहिए होगी ठीक है अब इस पर सवाल ये उठा है कि इस बिल की ज़रूरत क्या है तो इस बिल की काफ़ी ज़रूरत थी इस हिसाब से कि मैं आपको आप कुछ पॉइंट बताऊँगा जब क्या क्या इसमें ज़रूरत है वो आपके कुछ रिटर्न आंसर्स में आपके काम आ सकता है सबसे पहले कि जो पुराना लॉ था उसके अकॉर्डिंग जो मेडिकल जो पुराना लॉ था 1971 का और अभी 2020 में काफ़ी मेडिकल जो टेक्नोलॉजी मतलब चेंज आके और कई सारी चीज़ें बहुत एडवांस लेवल पर पता चलती है तो वो लॉ जो है एक आप कह सकते हैं काफ़ी कंजर्वेटिव लॉ था काफ़ी पुराना लॉ था और जो मेडिकल में मेडिकल साइंस में जो टेक्नोलॉजी आ गई है उनको रिकॉग्नाइज नहीं करता है इसलिए जो अभी का जो टेक्नोलॉजी है जो ये मेडिकल साइंस इतना डेवलप करे उस हिसाब से लॉ को होना चाहिए तभी एक कोहेरेंसी बैठ सकती है दूसरी पहले जो एक कंडीशन थी कि माइनर्स जो थे जो माइनर गर्ल्स uh, थी उनको अगर अबॉर्शन करवाना तो उन्हें अपने पेरेंट्स से रिटर्न कंसेंट चाहिए होता था गार्जियन से रिटर्न कंसेंट चाहिए होता अबॉर्शन के लिए जो कि एक रिग्रेसिव माना जाता था ठीक है तो अब वुमेन को एक ऑटोनॉमी दी गई अनमेरिड वुमेन को कि अपने वो अपने स्वच्छा के अकॉर्डिंग अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवा सकती हैं और जो लॉ में कुछ डिफिकल्ट कुछ कमियाँ थी खामियाँ थी जिसकी वजह से जो अनक्वालिफाइड पर्सनस थे वो भी अबॉर्शन की जो फैसिलिटीज़ चला जैसे आप सेक्स सिलेक्शन जो होता है जो पहले से पता किया जाता है कि लड़का है लड़की है तो इस उस लॉ की वजह से काफ़ी लोग जो ऐसे लोग थे जो अनकालीफाइड थे और ये सेक्स सिलेक्शन का जो बिज़नेस है वो चला रहे थे जो कि इलीगल भी माना जाता है दूसरे साथ साथ कई ऐसी जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं ऐसा भी होता है कि पहले है लिमिट थी कि बारह हफ्ते के बाद आप टर्मिनेट नहीं, नहीं करा सकते कुछ बहुत एक्सट हार्ड कंडीशंस थी लेकिन ये बाद में रियलाइज किया कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की जो एबनॉर्मलिटी जो बच्चा का किसी प्रॉब्लम सफ़र कर रहा है तो वो 20 हफ्ते बाद ही पता चल पाता है उससे पहले नहीं पता चल पाता है तो पहले लॉ के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए 20 हफ्ते के बाद पता चलता है तो वो बिल्कुल से मना था जो कि एक आप वुमेन के राइट्स जो है आप उनसे छीन भी रहे हैं कि अगर बच्चा को एब्नॉर्मैलिटी से सफ़र कर रहा है तो वुमेन का पहले राइट होना चाहिए कि वो उस बच्चे को जन्म देना चाहती कि नहीं है तो इस नए लॉ के अकॉर्डिंग इस राइट को प्रोवाइड किया गया है वुमेन को और जैसा कि आपने आप बात की कि अलॉन्ग अनड अनमेरिड वुमेन द राइट टू लीगली टर्मिनेट अनवॉन्डेड अब जो अनमेरिड वुमेन है जो माइनर गर्ल है उनको एक राइट दिया गया है कि तक अगर उनकी बॉडी की बात हो रही है तो उन्हें पूरी ऑटोनॉमी दी जाएगी कि वो खुद डिसाइड कर सकती हैं अपने फैसले के अकॉर्डिंग कि उन्हें वो उस बच्चे को जन्म देना है कि नहीं देना है और उसमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए और जो पेरेंट का कंसेंट था वो एक रिग्रेसिव माना जाता तो इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा सुधारा गया और इसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम और भी है कि इंडिया में 75 परसेंट शॉर्टेज है क्वालिफाइड डॉक्टर्स की तो इसलिए भी ये सब प्रॉब्लम्स हैं अब इसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं बिल के अब इस एक्ट के क्या क्या चैलेंजेस है बेसिकली वाइबिलिटी ऑफ फीटर्स के साथ uh, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखिए वाइबिलिटी ऑफ फीटस का मतलब क्या होता है कि जो बच्चा है वॉर्म से कुछ टाइम बाद जो डेवलप हो जाता है तो उसके लिए 24 वीक से ज़्यादा अभी कभी कभी समय लग जाता है तो इस लिमिट के साथ वो कॉन्फ्लिक्ट करता है कि जो 24 हफ्ते का जो लिमिट लगाई तो मान लीजिए बाद में पता चलता है कुछ प्रॉब्लम तो वो एक चैलेंज क्रिएट करता है दूसरी बात लिबरल लॉ की वजह से जो सेक्सेलेशन का जो बिजनेस है वो थोड़ा सा अगर इस लॉ को थोड़ा सा लिबरल बनाया गया है इस नए लॉ को बट इसकी वजह से थोड़ा ये हो सकता है कि जो लोग सेक्सलेशन का बिज़नेस चलाते हैं उनको थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है उसका मिस कर सकते हैं उसके साथ साथ जो बिल जो है डज नॉट कंसिडर चीन ऑफ चॉइस चीन ऑफ चॉइस मतलब कि मान लीजिए अभी पेरेंट्स अलाउ करते हैं कि हमें इसको टर्मिनेट नहीं करा लेकिन बाद में कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं सेपरेशन हो जाता है डाइवोर्स हो जाता है जहाँ पर एक वेमेन जो है बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती है, तो इन सब बारों में बात इस बिल में नहीं की गई है उसके साथ साथ एक्सेस टू द बोर्ड बाइक प्रेगनेंट वुमेन इन द रोड रिमोट एरियाज़ अ कंसर्न जब मान लीजिए कोई गाँव इलाका है जहाँ पर ऐसी कंडीशन सिचुएशन है तो वहाँ पर मेडिकल बोर्ड को सेटअप करना एक प्रॉब्लम हो चैलेंज होगा उसके बाद कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है कि कब तक वो अपना ओपिनियन देंगे तो वो काफ़ी एक वुमेन के हेल्थ के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक या रिस्की हो सकता है तो ये एक कंसर्न है उसके साथ इस बिल में जो ऑटोनॉमी दी गई है वो आप एक तरह से देखेंगे कि वुमेन से ज़्यादा ऑटोनॉमी एक अदर पर, पर्सन को दी गई है कि वो डिसाइड करेंगे कि वुमेन को इस बच्चे को जन्म देना है कि नहीं देना जबकि वुमेन को राइट देना चाहिए कि उसका शरीर है तो उन्हें खुद डिसाइड करना चाहिए कि हमें इस बच्चे को रखना है कि नहीं रखना तो वुमेन ऑटोनॉमी की एक प्रॉब्लम है और तो इन सब बातों पे ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपके इस बिल के अकॉर्डिंग सारे पूछे जा सकते हैं जो आपके आपके इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज़ ऑल सफिशियंट फॉर एग्जाम्प जो कि इन पर क्वेश्चन बने जा सकते हैं सो so, यहाँ पर हम इस वीडियो को एंड करेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग